हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज हमारे पास, जैसा आप देख सकते हैं कि पिछले एपिसोड में मेरे को मिला था डायमंड, तो मैंने बना ली है वो डायमंड पिकैक्स, वो शायद मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो आज हम बनाने वाले हैं दी नेदर पोर्टल। आप सबसे पहले देख लीजिए, मैंने कुत्ता पाल लिया है, बड़ा सही है यार, मेरे को कुत्ता मिल गया। मेरे पास कुछ बोन्स भी थी इसलिए मैंने पाल लिया, सही है, टेम हो गया। अरे यार रात हो गई है तो सबसे पहले सो जाते हैं और फिर मैं आपको सुबह उठ के बताऊंगा कि अपन को करना क्या है। तो सबसे पहले जाकर अभी सो जाते हैं। हो जा, हाँ चलो ठीक है। तो हम सो चुके हैं और सुबह हो चुकी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। एक्चुअली हम ना एक नेदर पोर्टल बनाएंगे, जिससे क्या होता है उसके लिए बनाने के लिए लगता है ऑब्सीडियन, और वो सिर्फ डायमंड पिकेट से ही माइन हो सकता है। और वो तो उस ऑब्सीडियन से हम नेदर पोर्टल बना सकते हैं और हम जा सकते हैं नेदर में। तो नेदर का जाने का क्या फ़ायदा होता है, मतलब एक वो एक नेक्स्ट ही वर्ल्ड होता है, अलग ही वर्ल्ड होता है। तो वहाँ पर जाना तो है यार, मन तो बहुत है, इसलिए अपन को सबसे पहले एक लावा पूल ढूंढना पड़ेगा। लावा और पानी को मिलाने से बनता है ऑब्सीडियन, और ऑब्सीडियन को मैंने ये सुना है तोड़ने में लगता है बहुत टाइम, इसलिए अभी मैं फटाफट अपनी केव में आ ही चुका हूँ। उसी में मैंने शायद इसमें लास्ट टाइम देखा था लावा पूल, तो मैं आगे जाकर देख लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अंदर साइड आ चुका हूँ और यहाँ, हाँ यहाँ नीचे साइड से जाता तो वहाँ एक तरफ है मेरे ख्याल से लावा पूल। अभी अपन चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि वाटर बकेट इसलिए हाथ में ले रखी है क्योंकि गिरते गिरते तो वाटर बकेट भी डाल सकते हैं। और बाकी एक मिनट, ये एरिया तो मैंने देखा ही नहीं था अभी तक, एक्सप्लोर नहीं किया था। टॉर्चेस ले लेता हूँ हाथ में। ये यहाँ पर कुछ ग्राउंड टाइप का है अलग सा, ये देखिए, हाँ यार थोड़ा अलग ही है। तो गाइस सबसे पहले हमको ढूंढना है एक लावा पूल, तो सबसे पहले ये देखनी है कि यहाँ बीचों बीच एक डर्ट भी रखी हुई है, कैसा अजीब है। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉर्चेस लगा लेते हैं। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कोने पर रेडस्टोन पड़ा है, ऊपर कोल है बहुत सारा, तो यहाँ पर तो आगे जाने का मतलब नहीं है, वाटर बह रहा है। तो अपन सबसे पहले थोड़ा सा रेडस्टोन माइन कर लेते हैं अपनी आयरन पिकैक्स से। अब मैंने डायमंड पिकैक्स यूज़ करना चालू कर दी है क्योंकि डायमंड पिकैक्स से होता है सब काम जल्दी जल्दी। तो फटाफट अपन अब आगे निकलते हैं। यहाँ आगे साइड मिल गया, संभल के गया तो पूरा कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहीं से पानी डाल देता हूँ, काय को रिस्क लेना। ये यहाँ पर ग्रेवल फिसलेगा तो नहीं, पानी डाल ही देता हूँ ना। यहाँ से मैंने डाल दिया पानी और ये पूरा बन चुका है ऑब्सीडियन। अब ये जब तक नहीं दिखेगा जब तक मैं टॉर्च ही नहीं लगा देता। तो नीचे उतर के सबसे पहले टॉर्च लगा दूँ एक यहाँ पर, अब सही है। अब गाइस ये पूरा ऑब्सीडियन बन चुका है, हमको ऑब्सीडियन तोड़ना, पहले ग्रेवल हटा दूँ मैं। तो अब देखिएगा इसमें डायमंड पिकैक्स से ऑब्सीडियन तोड़ूंगा, इसको तोड़ने में भी बहुत लाइट लगता है। टूट जा। देखा गाइस आपने, एक तोड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियन तोड़ लिए हैं, मेरे ख्याल से शायद इतने पर्याप्त हो जाएंगे नेदर पोर्टल का जो फ्रेम बनाने के लिए होता है। एक्चुअली वो एक फोटो फ्रेम की तरह होता है, उसको बनाना पड़ता है, तो उसके लिए बस ये ऑब्सीडियन से ही बनता है। इसलिए ऑब्सीडियन तो हमने तोड़ लिए हैं, देख लेता हूँ एक बार कितने ऑब्सीडियन है। अच्छा अभी तो इन्वेंटरी में, पहले ये जो रेडस्टोन यहाँ पड़ा है इसको कलेक्ट कर लूँ वरना फिर अलग हो जाएगा। आ चुके हैं गाइज हम बाहर और अब हम सीधे निकल लेते हैं अपने कैसल, मतलब घर की ओर। कैसल वो बन जाएगा कुछ समय में, हो सकता है अगले एपिसोड में आपको कुछ सरप्राइज देखने को मिले। तो अभी फटाफट अपन चलते हैं, शुक्र है कि दिन, वरना रात हो जाती तो इतनी दिक्कत होती है ना। अपन ने जल्दी ऑब्सीडियन माइन कर लिए ना, मतलब खैर कर लिए फिर भी जल्दी थोड़ा माइन कर लिए। आज गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे घर के अंदर आप कैसे अलग से घुस सकते हैं, मतलब ये देखिए गेट से नहीं जाता हूँ मैं, दी वाटर बकेट ट्रिक इज ओपी, जस्ट ओपी। तो हम फटाफट चलते हैं अब ऊपर और बनाते हैं क्या कहते हैं उसको, अपना नेदर पोर्टल का फ्रेम। अभी पहले इसको खोल के मैं देखूँ, मेरे पास इसमें भी कुछ ऑब्सीडियन पड़े हुए थे पहले से, तो अब मैंने ये ऑब्सीडियन भी ले लिए हैं। अब मैं जाऊंगा ऊपर छत में, आ रहा हूँ डॉग भाई नेदर से। तो फटाफट मैंने ऊपर आ चुका हूँ गाइस मैं छत पे, और अब मैं ऑब्सीडियन रखूँगा अपने हॉट बार पे, और अब मैं फटाफट बनाना चालू करूँगा नेदर पोर्टल का फ्रेम। तो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं एक अपन आगे, हाँ यहाँ इस साइड प्लेस करेंगे तो ठीक, एक प्लेस कर दिया है। फिर अब एक और प्लेस, ये प्लेस, इसको मेरे ख्याल से मेरे को कितना बनाना चाहिए, तीन का वन बाय वन बनेगा, तो उसमें एक ही जा पाएगा, नहीं ऐसा करेंगे उसका थोड़ा ज़्यादा सा बना लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पूरा नेदर पोर्टल का फ्रेम बना लिया है, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हमको, मतलब इसको चालू करने के लिए हमको फ्लिंट एंड स्टील से इसमें आग लगानी पड़ेगी, तो इससे अभी अपन को पता चलेगा कि अपना नेदर पोर्टल का जो फ्रेम है वो सक्सेसफुली बन पाया है या नहीं। तो लगाते हो परफेक्ट बना है गाइस, देख सकते हैं आपकी जैसे नेदर पोर्टल का हमारा, मतलब नेदर पोर्टल चालू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर सीधे जाएंगे, तो चलिए चलते हैं।
आवाज सुनिए, आवाज सुन रहे हो क्या? गजब की आवाज है साहब, मतलब आवाज से डरावना लगता है। तो हमारा नेदर पोर्टल का जो एंट्रेंस है वो कुछ एक लावा पूल के सामने खुला है, इतना बड़ा लावा पूल। तो ये है नेदर, द नेदर वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत सारे क्वार्ड्स हैं, क्वार्ड्स माइन करने से आपकी जो एक्सपी है वो थोड़ी जल्दी बढ़ती है। तो अभी तो मैं थोड़ा उसमें, ये देखिए वाटर बकेट का कुछ नहीं हो सकता नेदर में, क्योंकि नेदर में पानी डालते ही उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ऐसा होता है द नेदर। ये सामने पिगलिंस है, किसी ने मारा। अरे यार ये स्लाइम है, रुक जाओ, यहाँ की स्लाइम है, नेदर की स्लाइम है। ये खराब मार रही है यार, ये तो पीछे ही पड़ गई। भैया दिमाग मत खराब कर यार, मेरे को नेदर में तुम्हारे को मारना ही चालू कर दिया। इतने खराब खराब मॉन्स्टर्स हैं नेदर में, और नए अपडेट के बाद तो और ही, इसको फटाफट मारना पड़ेगा। ये मर गई, एक मिनट ये मरे और उसके छोटे छोटे बच्चे निकल आए। भैया ये तो अलग ही नेक्स्ट लेवल यार, ये तो मतलब तो यहीं पर एंडरमैन को घूमना है। इससे कुछ मिला है मुझे, शायद मैंने ये तो उठा लिया। अरे नहीं भैया, वो मरे नहीं है पूरे, अभी और छोटे छोटे हो गए। गाइस फाइनली आप देख सकते हैं कि इतनी देर लड़ने के बाद मैं इनको मार पाया, अभी भी नहीं मरे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि एक दो अभी शायद बच गए हैं, शायद। ये देखो ये बैठा है यहाँ पे, अरे यार उसको मार रहा था पिगलिन। भैया पिगलिन ऐसे होते हैं ना कि बस गोल्ड पहने रहो तो कुछ नहीं बोलते। अरे यार कितने यार, खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे क्या? फाइनली गाइस, अरे यार एक पिगलिन को मारा तो दूसरा आ गया। ले भाई, हेल्थ कम थी तो इसने भी मुझे मार दिया। मैं फटाफट वापस से आ चुका हूँ गाइस नेदर में अपना सारा सामान कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि सामान नहीं खोल सकता। मेरी डायमंड पिकैक्स थी यार, मेरा पूरा आयरन आर्मर था, उसमें भी गोल्ड की चेस्ट प्लेट थी मेरे पास, और शायद अब नहीं बची, बिल्कुल लो हेल्थ वाली थी, नहीं बची। गोल्ड की चेस्ट प्लेट नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं बूट्स पहन लेता हूँ, लेगिंग्स पहन लेता हूँ, और अब मैं चेस्ट प्लेट भी पहन लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड की चेस्ट प्लेट थी तो वो तो बची ही नहीं मेरे पास, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो अब मैं क्या, आयरन स्वॉर्ड से अब मैं शायद से यहाँ पर, पता है मेरे को अब लग नहीं रहा कि ज़्यादा देर रुकना सही होगा। फटाफट थोड़े से क्वार्ट्ज माइन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एक तो मेरी पूरी एक्सपी चली गई, 9 XP की पूरी एक्सपी चली गई। देख सकते हैं इस पर आप कि क्वार्ट्ज माइन करने से कितनी चली जाती है। थोड़ा सा नेदर रैक कलेक्ट कर लेते हैं, नेदर का सिंपल पत्थर। अरे ये एक मिनट, आग किसने फेंकी? एक मिनट, अब घास पागल हो गई, इसलिए तो नेदर डरावना है। ये देखो घास पागल हो जाएगी अभी, अभी आंखें दिखाने लगेगी। ये देखो आग फेंक दी उसने, ये आग मेरे ख्याल से ऐसे बुझ जाती है शायद, ऐसे ऐसे। एक मिनट, अरे मुझ में लग गया, अरे यार चल रहा है, थोड़ी देर शांति से खड़ा रहना पड़ेगा वरना हो गया मेरा कल्याण। एक मिनट, मेरे कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 हैं बिल्कुल। भाई साहब मैं कहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ यार नेदर में भी? मेरे को लगता नहीं अब ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना सही रहेगा वरना हो जाएगा कल्याण। थोड़ा सा नेदर रैक और माइंड कर लूँ वरना पता चला घास फिर गुस्सा हो जाएगी। मैं निकल लेता हूँ यार, मेरे को सही नहीं लग रहा घास फटाफट। मैंने 7 शायद मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में, तो फटाफट निकल सकता हूँ। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया देखकर बहुत आनंद मिल रहा है। ये हमको मिले थे कुछ नेदर रैक, ये शायद मैग्मा क्रीम है। हाँ ये वाली मैग्मा क्रीम है, और वो नेदर रैक लेकर आया, और एक पिगलिन को मारने से मुझे एक गोल्ड नगेट मिला है। तो गाइस आज के वीडियो में समझ रहे हो ना, अब मेरे को आउटरो करने दो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार।